नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ शिल्पा नेगी। तो मैं बता दूं कि अभी मैं मौजूद हूं हल्द्वानी के लालडाट पर स्थित लिटिल फ्लावर्स स्कूल में, जहां आज सेवा संकल्प और हिल्स वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जो है एक निःशुल्क महिला स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र का जो है शुभारम्भ किया जा रहा है। आपको बता दूँ कि 3 महीने का जो ये प्रशिक्षण रहेगा, जिसमें महिलाओं को जो है आत्मनिर्भर बनाने की जो कवायद है वो शुरू की गई है। महिलाओं को यहाँ पर सिलाई कढ़ाई और जो सॉफ्ट टॉयज है वो बनाने यहाँ पे सिखाए जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे मौजूद लोगों से और जानते हैं कि आज जो इतना अच्छा कदम सेवा संकल्प और हिल्स वेलफेयर सोसाइटी द्वारा लिया जा रहा है, उस पर वो क्या कहना चाहेंगे। सेवा संकल्प द्वारा जो है इतना अच्छा काम जो कार्य किया जा रहा है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सर क्या कहना चाहेंगे। देखिए, एक संस्था, चूँकि मैं एज ए फाउंडर सेवा संकल्प, मैं लखनऊ में एडवोकेट हूँ और लास्ट 30 ईयर से ये सोसाइटी चल रही है। ये केवल महिलाओं के लिए नहीं, बच्चों से लेके एजुकेशन, हेल्थ, सारी फील्ड में वर्क कर रही है। हाँ, महिलाओं को ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो एक स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र, ये एक चेन पिछले लास्ट 7 ईयर से हम लोग रन कर रहे हैं। तो इसमें यह है कि महिलाओं को उतने अवसर नहीं मिल पाते हैं स्वरोजगार के, और थोड़ा सा वो अपनी जिम्मेदारियों में बंधी रहती हैं। तो इसलिए अब कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण की जब हर तरफ बात है, तो संस्था भी इस पर ज़्यादा फोकस कर रही है। और विशेषकर हल्द्वानी में इस केंद्र को खोलने का रीज़न ये है कि यहाँ पर जिस तरह से महिलाएँ को स्वावलंबी बनाने के लिए, और एक यहाँ पर एक अच्छा महिलाओं का ग्रुप है शांति जीना मैम के नेतृत्व में, और एक सेवा भावना थी, तो इसलिए पूर्णतः निःशुल्क केंद्र की शुरुआत की गई है, जिसमें महिलाओं को हर क्षेत्र में ट्रेनिंग दी जाएगी। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, हिल्स वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जो है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक इतना अच्छा कार्य किया जा रहा है, मैम क्या कहना चाहेंगे। जैसे ये हमारा मेरा अकेला हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी ने इस कार्य को करने के लिए हम सेवा संकल्प ने भी हमको सहायता दी है, दोनों लोग ज्वाइंट होकर हम लोग ये काम, बहुत से काम हमने किए। आज हमने महिलाओं के लिए ये एक जो केंद्र खोला है, ये सेवा संकल्प के इनिशिएटिव लेने से, और उन्हीं के हमेशा वो मेरे साथ 15 सालों से मेरे साथ है। तो इस बार हमने हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी और सेवा संकल्प ने मिलकर महिलाओं को अपने स्वरोजगार दिलाने की कोशिश के लिए ये आज शुरुआत की है। 1 मार्च मेरे स्वर्गीय पतिदेव का आज जन्मदिन पड़ता था, 1 मार्च, तो उनके कोरोना में उनकी मृत्यु हुई थी, तो इसलिए आज का दिन ये माना गया कि आज के दिन शुरुआत करते, क्योंकि वो खुद भी ये बहुत अच्छे सोशल वर्कर थे, तभी मुझे भी उन्होंने एक सोशल वर्क करने के लिए इतना मुझे छूट दे। लोग कहते हैं कि पुरुषों का साथ नहीं मिलता है, लेकिन मैं मुझे यहाँ तक लाने में पहले मेरे पिता ने बहुत सहयोग दिया, फिर मेरे पति ने दिया, आज मेरे 2 बेटे हैं, वो दोनों बेटे भी मुझे बहुत सहयोग देते हैं हर कार्य को करने के लिए। ये किया हमने, आज शुरुआत की है, लेकिन ये बीच में भी होली आ रही है तो इसमें थोड़ा इंटरप्शन होगा। महिलाओं का ही कार्य होना है, तो वो लोग कुछ लोग गाँव जा रही हैं, कुछ लोग होली में बिज़ी रहेंगी, तो इसलिए वो नहीं आ पाएंगी। इसलिए हमने सोचा है कि 13 मार्च से हम इसका शुरुआत कर देंगे। 3-3 महीने के लिए ये कोर्सेज किए जाएंगे, उसके बाद इनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सर्टिफिकेशन में भी मैं जेजेएन न्यूज़ से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ज़रूर आइएगा हमारी कवरेज लेने के लिए, इन्फॉर्मेशन आपको हम दे देंगे, और तब पूरा हर 3-3 महीने में सर्टिफिकेशन होगा। सर, सेवा संकल्प और हिल्स वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इतना अच्छा कदम लिया गया है, सर क्या कहना चाहेंगे। देखिए, ये आज एक बहुत ही, शांति दी ने एक बहुत ही अच्छी पहल करी है, और सेवा संकल्प लखनऊ से भी लोग आए हैं, तो एक बहुत अच्छी पहल है कि कुछ महिलाएं जिनको रोज़गार चाहिए और जो निर्धन होती हैं उनको इतना नहीं होता कि हम कहीं सीख सके, तो यहाँ पर एक प्रशिक्षण केंद्र खुला है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये यहाँ से लोग सीखेंगे और अपने स्वरोजगार के लिए काम करेंगे। तो समाज में इस तरह से हर बंदा, देखिए सरकार के ऊपर तो डिपेंड नहीं हो सकता, खुद ही कुछ लोगों को करना चाहिए, तो ऐसे में कुछ लोग आगे आए हैं, बहुत अच्छी बात है, इसी तरह से आगे को ये काम करते रहेंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि, और धन्यवाद भी इन लोगों को देना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ बुलाया, तो जो भी होगा करेंगे। 3 महीने बाद फिर हो सकता है आपसे यहाँ मुलाकात हो, क्योंकि 3 महीने बाद इनका पहला बैच यहाँ से निकल के जाएगा, और उसके बाद जब वो जाएगा तो हम देखेंगे कि उसमें से कितने लोग स्वरोजगार, कितने लोगों को मिला। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। सेवा संकल्प और हिल्स वेलफेयर सोसाइटी द्वारा इतना अच्छा कदम जो है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लिया जा रहा है, मैम क्या कहना चाहेंगे। सेवा संकल्प की अगर आप बात करें तो हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन 92 से चल रही है, बिना किसी सरकारी अनुदान के यूपी, उत्तराखंड, पंजाब में बहुत से गांव, शहरों में स्लम एरियाज़ अडॉप्ट किए हुए हैं, और
हम लोग का ये पर्पज़ रहता है कि हम लोग जितनी भी महिलाएं हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कोर्सेज नहीं बियर कर पाती हैं, नहीं पैसा दे पाती हैं, उनको सक्षम बनाएं। और हम सभी जानते हैं कि दो चीज़ों से इंसान सक्षम बन सकता है, या तो रोज़गार हो और या तो शिक्षित हो। तो हम लोगों ने जो ये कदम उठाया ये दोनों तरह की महिलाओं के लिए, कि चाहे वो शिक्षित हो चाहे वो अगर नहीं वो शिक्षित है, तो उसको हम एटलीस्ट अपने पैरों पे खड़ा कर सकें। यहाँ सिलाई कढ़ाई सॉफ्ट टॉयज़ और भी जो भी अपने ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं उनको सिखाएं, और सिखा करके फिर उनको जो बनाया हुआ सामान उनका सेल आउट भी करेंगे। मैम, जैसे कि अभी इस प्रशिक्षण केंद्र में जो है महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग के बाद जो है कैसे किस तरीके से उन्हें जो है रोज़गार उपलब्ध करवाया जाएगा? सेवा संकल्प क्योंकि पहले से ही करीब 1992 से काम कर रही है और बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत से कंपनी वाले उद्योगपति हम लोग से जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम से हमें बड़े बड़े ऑफर्स मिलते हैं। तो वो ऑर्डर्स जो हैं हम यहाँ के आसपास की इंडस्ट्रीज़ के ऑर्डर लेकर के हम इन महिलाओं को जो ट्रेनिंग करने के बाद जो ट्रेंड हो जाएंगी हम इनको देंगे काम करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जो ऑर्डर्स पूरा करेंगी उनको पैसा मिलेगा तो वो सक्षम बनेंगी ही बनेंगी। तो देखा आपने सेवा संकल्प और हिल्स वेलफेयर सोसाइटी, दोनों संस्थाएं जो मिलकर है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो निशुल्क स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र है उसका आज उद्घाटन किया है, और जो फॉर्म है जो रजिस्ट्रेशन है वो भी शुरू हो चुके हैं, और एक काफ़ी अच्छी पहल जो है इनकी तरफ से की गई है और महिलाएँ जो है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रही है, कई रजिस्ट्रेशन भी अभी तक महिलाओं द्वारा कर दिए गए थे। फिलहाल जे जे एन की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं अपने सहयोगी अभिदय मित्तल के साथ शिल्पा नेगी, जे जे एन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार। के खोली है भनक अलग सी हो रही है, शहर क्या पूरी सो रही है, अरे बहुत चल तो होली है। मुन्ना ने और मुन्निया ने पानी रंग सब भर लिया, होली के अब मजे करे क्या आया रंग रसिया। हल्द्वानी का पानी पी के जोश में सारे लोग गए, बच्चे आए फैंसी ड्रेस मास्टर शेफ फैशन शो में, रात नाचने शोर है लाई डीजे सरीना ढोल है, मजे मजे में गेम जीतने खेले सातम बोल ले, खेल जीत के चीज खरीदने सेल ढेर से खोल ले, गाने बना के सॉन्ग बीटल दिएंगे तुमको तोहफे। 4 मार्च तो दिन तुम्हारा, आओ यारों की फौज में, सुबह 10 से रात के 10 तक चलेगी पूरी मौज है। तो पार्टी होनी है भनक अलग सी हो रही है, शहर क्या पूरी सो रही है, अरे आरा भैया होली है। मुन्ना ने और मुन्निया ने साथ में खूब सा जश्न किया, होली के अब मजे कराने आया रंग रसिया। Hello people, this is your DJ Sarina from Delhi. So I'm coming to your city on this 4th March, which is Holi event at Woodpecker, an event by Rang Rasiya. So be there to witness the madness, because I'm gonna play your favorite tunes. See you all there. Love you. क्या आपको भी है no experience in programming और चाहते हैं data science में career shining? तो KR Pro आपके लिए लाया है बेहतरीन workshop. तो देर किस बात की? कर लीजिए ज्वाइनिंग। क्या आपके पास प्रोग्रामिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और आप चाहते हैं डेटा साइंस में अपना सुनहरा भविष्य और कमाना चाहते हैं 5 लाख से 6 लाख सालाना, वो भी अपने शुरुआती दौर में? तो KR Pro लर्निंग के साथ ZS Associates के वैष्णव मिश्रा आपके लिए लेकर आ रहे हैं 1 घंटे की बेहतरीन ऑनलाइन वर्कशॉप आने वाली 26 मार्च को शाम 3 बजे से 4 बजे तक। इसमें आपको मिलेंगे सर्टिफिकेशन कोर्सेज और इस फील्ड में एक्सपर्ट से प्लेसमेंट असिस्टेंस, और इतना ही नहीं आपको ट्रेनिंग देंगे इस फील्ड के वर्किंग प्रोफेशनल्स। तो देर किस बात की, आज ही एनरोल कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या फिर नीचे दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। वर्कशॉप से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से फॉर्म फिल करें या फिर स्क्रीन पर दिए गए एड्रेस पर विजिट करें और अपने सारे डाउट्स फेस टू फेस क्लियर करें। तो आज ही अपने डेटा साइंटिस्ट बनने के सपने की तरफ बढ़ाएं एक और कदम KR Pro लर्निंग के साथ।